करने जा रही हूँ। आप भी ट्राई करके देखिएगा कैसी बनती है। आप लोगों की मैगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ सिम गैस में, बिल्कुल सिम गैस में इसको ढक के रख देते हैं गाइस। इसमें मैंने दोस्तों थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ी रसीली मैगी अच्छी लगती है। मैंने इसको थोड़ा सा पानी ऐड किया है और फिर मैं इसको दोबारा से ढक के रख रही हूँ। थोड़ी सी गैस भी तेज की है, हल्की सी, थोड़ा पानी जल्दी वार्म हो जाएगा हल्की सी, ठीक है। अभी 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितना बनी है नहीं, क्योंकि इसमें हमको मसाले ऐड करने हैं कि थोड़ा सा हींग डालेंगे इसमें, स्वाद अनुसार हींग। हींग डाल लिया, फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक, फिर धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च, रंग वाली है ये, थोड़ी सी रंग वाली मिर्च डालेंगे, कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी, चटपटी, आप चाहें तो हल्दी भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। और ये धनिया मैंने पहले भी डाला था, धनिया बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए। ये मैंने, गाइस देखो ये बन गई है हमारी चटपटी सी सब्जी। अब हम इसमें ऐड करेंगे, देखने में देखो कितनी अच्छी लग रही है क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा चटपटा सा लगता है। हम लहसुन प्याज तो खाते नहीं हैं तो इसलिए हम ये अच्छे से इसको बनाते हैं। ये हमारी मैगी हमने बॉईल करके रखी हुई है, ठीक है। ये हमारा पेस्ट बन के रेडी हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये मैगी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये मैगी, इसमें मैगी ऐड हो चुकी है। वाओ बहुत टेस्टी लग रहा है, और थोड़ा सा गीली गीली ही मैगी अच्छी लगती है, पानी वाली थोड़ी सी।